जय श्री कृष्णा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता एक स्पेशल चटनी के साथ। आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो इसमें मैंने सबसे पहले लिया है तेल, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा और ये लहसुन की चार पांच कली, इसे हिला देंगे थोड़ा। थोड़ी सी हरी मिर्च, दो हरी मिर्च थी बस। थोड़े से मूंगफली के दाने, ये चार साबुत लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसको तोड़ के डाल दूंगी इस तरह से। आँच एकदम कम रखे, नहीं तो ये मसाला जलने लगेगा। और थोड़ा सा हिला दे। इसके बाद ये रफली कटे हुए दो टमाटर, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा पकने दे। मैं इसको थोड़ी सी देर ढक के रख दूंगी, थोड़ी जल्दी पक जाएगा। बस टमाटर थोड़े अच्छे से गल जाए, बस थोड़ा सा ही मैं पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। वापस मैं इसको ढक दूंगी। बस टमाटर हमारे गल जाए, इतना हमें पकाना है। ये वाली चटनी का एकदम टेस्ट बहुत अलग आता है। हम चटनी तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो हम ब्रेड पकोड़े बनाएंगे उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैं ये टमाटर की चटनी में और भी बहुत सारी चीज़ें डालूंगी, तो और बताइएगा कि ये चटनी आपको कैसी लगी। बनाइएगा और बताइएगा ये चटनी आपको कैसी लगी। तो देखिए ये थोड़ा पानी भी कम हो गया है, ये रख देंगे। और जब तक ये ठंडा होगा हम आलू का मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे उबले हुए चार आलू, और उबाल लिए थे इनको, उबाल के छिलका हटा लिया था। और इस तरह हम इनको फोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने उबले हुए आलू को फोड़ लिया है।
इसके बाद हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, तेल हमारा गरम हो गया है। और उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी राई डाली, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, हरी मिर्च कटी हुई, ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। मैंने 3-4 ली है, आप ज़्यादा लेना चाहे तो ज़्यादा ले लें। ये 3-4 हरी मिर्च और ये मीठी नीम के पत्ते, ये मैंने काट लिए थे। और इस तरह से हम इसको भून लेंगे। थोड़ी सी हल्दी पिसा हुआ, सूखा धनिया, लाल मिर्च पिसी हुई, अपने स्वाद के अनुसार ले लें। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो ज़्यादा ले लें, कम तीखा खाते हो तो कम ले लें। इसके बाद हम ये डाल देंगे उबले हुए आलू, ये मसाला हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम जब भी आलू का मसाला बनाएं या ब्रेड पकोड़े के लिए, या ये 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है, ये स्वाद के अनुसार नमक, और हम सारा मसाला अच्छे से मिला के कम से कम इसको 6 मिनट के करीब मैंने इसको भुना है, लेकिन वो क्लिप मेरे हाथ डिलीट हो गई थी और उसके बाद गैस बंद कर दी और मैंने दूसरे बर्तन में ये आलू का मसाला निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। अब हमने लिया है 2 कटोरी बेसन और उसमें डालेंगे हम वो डाले तो ये थोड़ा सा अजवाइन इस तरह से क्रश करके वो डाल दूंगी। थोड़ा सा अजवाइन डाला, 1 चिमटी हींग, स्वाद के अनुसार नमक, ध्यान रहे आलू में भी डाला है नमक, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा, चाहे तो और ये थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको घोल बना लेंगे। तो देखिए हमें इतना पतला घोल इसका चाहिए, बस अब ये घोल बना के भी मैं साइड में रख दूँगी। ब्रेड लिए, अब मैं इसको काट लूँगी, तो इस तरह से आप रखें। और ये मैंने गिलास लिया, आप कटोरी, गिलास, कटर जो भी हो, तो ये मैंने इस तरह से इसके, देखिए ये इस तरह से मैंने काट लिए हैं। इस तरह से हम काट लेंगे सारी ब्रेड के, और जो ये है हम इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, तो इसको हम साइड में रखते जाएंगे। और हम सारे इस तरह से बना लेंगे, आप चाहे तो चौकोर बना लें, आप चाहे इस तरह से। मैंने गोल गोल टुकड़े कर लिए हैं, गोल गोल ब्रेड काट लिए हैं, और जो ये सब निकला है ब्रेड के, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे, ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे तोड़ के, इस तरह से तोड़ के ये मिक्सी के पॉट में डाल देंगे, मिक्सी के जार में डाल देंगे, और इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे हम। इस तरह से मैंने
ये डाल दिया। तो देखिए ये ब्रेड क्रम्स बन के तैयार है। बस मैंने एक दो सेकेंड ही इसको मिक्सी को चलाया था और ये हमारा इस तरह से ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो गया। ये हमारा पूरा ठंडा हो गया है चखने के लिए। तो अब मैं इसको डाल दूँगी मिक्सी के जार में इस तरह से। एकदम आप ठंडा करके ही डालें ये। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं कुछ पुदीने के पत्ते। ये मेरे घर पे ही लगे हैं छत पे गमले में, ताज़े पत्ते हैं एकदम। मैंने कुछ इस तरह से पुदीना के पत्ते डाल दिए। नमक हमने डाल दिया था और डालेंगे आधा नींबू का रस, थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा, खट्टी मीठी चटनी बनेगी ये। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी शक्कर। तो देखिए बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, आधी चम्मच डाली है मैंने एकदम थोड़ी सी शक्कर। बस हम इसकी चटनी पीस लेंगे। तो देखते हैं हम कैसी बनी है चटनी। तो अभी ये बहुत गाढ़ी दिख रही है, मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूँगी और मैं थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेती हूँ नमक वगैरह कैसा है। तो इसमें थोड़ा सा नमक कम है, मैं नमक भी डालूँगी। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा मेरे को नमक कम लग रहा था। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम ब्रेड पकोड़े से खाएंगे तो थोड़ी पतली चटनी अच्छी लगती है। बस इसको एक बार और मिक्सी में घुमाऊंगी, एक इसको और घुमा ली है थोड़ा सा। और देखते हैं अब हम इसको टेस्ट करके कैसी बनी है ये। तो देखिए एकदम परफेक्ट चटनी बनी है, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया चटनी। पर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पानी में और इसमें डालूँगी। देखिए एकदम गाढ़ी है ये, थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें निकालूंगी। तो देखिए मैंने और पानी डाल के इसको थोड़ा सा चलाया है और देखिए हाँ अब ये बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही बढ़िया चटनी है ये। कोई भी आप अगर किसी को बना के देगी तो कोई बता नहीं पाएगा कि ये किस चीज़ की चटनी है, कितना बढ़िया दिख रही है। अब मैं निकाल लूँगी इसको एक कटोरी में। तो बस ये हमारी चटनी बनके तैयार है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब ये आलू का मसाला हमारा ठंडा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा लूँगी इसमें हरा धनिया डालूँगी। देखिए थोड़ा सा ये थोड़े से में मैं हरा धनिया डालूँगी। बाकी क्या, मेरा बड़ा वाला बेटा नहीं खाता है धनिया पत्ती वगैरह, तो मैं उसमें सारे में नहीं डाल रही हूँ। तो ये थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ती डाल ली और ये मसाला बहुत ही टेस्टी बना है। अमचूर वगैरह डाला है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही एकदम टेस्टी बना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ब्रेड के टुकड़े लिए हैं इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम इस पर मसाला चिपकाएंगे आलू वाला। देखिए बहुत आसानी से लग जाता है ये आलू का मसाला, तो हमें अच्छे से लगाना है। और उसके बाद ये दूसरा टुकड़ा लेके हमें इस तरह से दबा देना है। देखिए इस तरह से, और हम इसमें ऐसे रखते जाएंगे इसको। इसी तरह मैंने दूसरा टुकड़ा लिया है और उस पर भी इस तरह से मसाला ये लगाया। अगर आपके पास कभी आलू की सूखी सब्जी बन जाती है तो भी आप इस तरह का सूखी सब्जी से भी नाश्ता बना सकती है। ये दूसरा ब्रेड का टुकड़ा लिया, थोड़ा सा दबा दिया और इस तरह से रखते जाएंगे। ये इस तरह से लिया, अच्छे से लगा दे आप मसाला।
ये दूसरा टुकड़ा लिया और इस तरह से ये दबा दिया, फिर रख दिया ये। तो आप आलू का मसाला बना के रख ले, चटनी बना के रख ले, ब्रेड भी काट के रख ले, और जब कोई मेहमान वगैरह कोई भी आए तो, या हमें ही जब खाना हो तो हम इसको गरम गरम तुरंत बना के खाए, बहुत टेस्टी लगता है। ये इस तरह से ये मैंने रख दिए हैं सब बना के, और ये रख दिया मैंने अलग, इसके बाद में बनाऊंगी मैं। और इधर मैंने कढ़ाई में तेल भी गरम होने के लिए रख दिया है, इधर कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, तो देखिए तेल भी अच्छे से गरम हो गया है। ये बेसन को एक बार हम अच्छे से फेट देंगे और अच्छे से, और इसको एक मैंने ये ब्रेड का ये एक ब्रेड का इस तरह से ये मैंने उठाया, और हम इसको बहुत अच्छे से कोट कर देंगे सावधानी से चारों तरफ से, और इस तरह से एक्स्ट्रा जो बेसन है उसको निकाल के ये जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाया था उसको इस तरह से लपेट देंगे, और हम इसको बहुत ही सावधानी से कढ़ाई में छोड़ देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बहुत टेस्टी नाश्ता है। और मैंने ब्रेड पकोड़े ही बनाए लेकिन एक थोड़ा यूनिक तरीके से बनाया है, और इस तरह से हम इस पर तेल डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने दें, ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं एक एक ही तल रही हूँ। और आँच मीडियम रखें, मैं दो नहीं डालूंगी, शायद कढ़ाई में नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से आँच मीडियम रखें, ज़्यादा तेज भी ना रखें और ज़्यादा धीमी भी ना रखें। इसको बहुत ही सावधानी से प्लेट दें, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। कितना बढ़िया कलर आया है, देखिए कितना बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया, ये बाजू से कितना बढ़िया कलर आया। और हम थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेंगे, आपको वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ एक बड़ा और आ सकता है लेकिन वो नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक एक ही तल रही हूँ। आपकी अगर कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी है तो आप दो दो भी तल सकती है। देखिए इस तरह का कलर आने दिया, बहुत ही प्यारा कलर आया है। और ये हमारा बनके देखिए एकदम परफेक्ट कलर आया है, देखिए आप बाजू से देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, और इस तरह से वो ये डिफरेंट तरीके का ब्रेड बना है। और अब मैं इसको निकाल दूंगी, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। बस इसी तरह से हम सारे ब्रेड पकोड़े तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही सावधानी से वो जो एक्स्ट्रा बेसन है इसका वो आप निकाल दें, और फिर इस तरह से ये जो ब्रेड क्रम्स है इसको इस तरह से कोट कर दें अच्छे से, और बहुत सावधानी से तेल में। इस तरह आप चम्मच से तेल डालती जाए, एकदम हिलाए डुलाए नहीं, नहीं तो इसका क्या शेप थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। बस इस तरह से आप तेल इसके ऊपर डालती रहे। यकीन मानिए अगर आपने एक बार बना लिया तो इसको बार बार बनाएंगे। आप ब्रेड पकोड़े तो बनाते हैं लेकिन आपने इस तरह से नहीं बनाया होगा, बहुत ही टेस्टी। और अब बस इसको सावधानी से पलट दे, देखिए
देखिए कितना प्यारा कलर आया है। मीडियम आंच पर ही आप इसको पकाएं। ये थोड़े से जो ब्रेड क्रम्स के गिर गए थे वो थोड़े से हो गए हैं, तो आप निकल जाते हैं। वो देखिए ये मेरा बनके तैयार है। ये बनके तैयार है और मैंने इसी तरह से सब ब्रेड पकोड़े बना लिए हैं। अब मैं इनको सर्व करती हूँ। बने हैं ये, बहुत क्रंची बने हैं। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। देखिए दिखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए आप कितने बढ़िया दिख रहे हैं, देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं, कितना बढ़िया लुक है इसका। अगर आप नहीं बताएंगे कि ये क्या है तो एकदम किसी को पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। देखिए बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको एक काट के बताती हूँ, वो देखिए काट के बताती हूँ। ये बहुत ही अच्छा दिखने में इसका लुक, बहुत ही बढ़िया लुक है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये, और जितना अच्छा ये दिखने में है उतना अच्छा ही ये खाने में है। बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा।